नहीं, चुभता तो है ही है, समझेंगे ना आप, और एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, पेपर्स हैं हाई कोर्ट के कि 123 मुकदमे क्वेश्चन कर दिए, तो मैं मुझे ये लगता है क्यों ये नहीं चलाया जाता। भाई सुल्तानपुर हम गए, हमारे पीछे 500-700 गाड़ियाँ चली गई, ये सही है, कोई मतलब टैक्सी नहीं थी, कोई भाड़े की नहीं थी। अभी दूसरे के साथ जाएँ, मोदी जी के साथ जाएँ, तो साफ समर्थक निकल पड़े, मतलब आंदोलन के पीछे आ गया साहब, हुजूम निकल पड़ा, हमारे साथ गए तो वो बोली है। ये जो दोहरी नीति है, इस पे हमको इतराज है। आज अतीक अहमद भले ही जेल में बंद हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा हो, लेकिन 2014 के वक्त अतीक अहमद का रुतबा क्या था, उसका बोलने का स्टाइल क्या था, यह आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी, आम चुनाव थे, उसी दौर में आज तक की श्वेता सिंह ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करते हुए उन्होंने अतीक अहमद का साक्षात्कार भी किया था। इस साक्षात्कार में अतीक अहमद ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया था और उत्तर प्रदेश में मोदी लहर से भी इनकार किया था। अतीक ने सवाल उठाया था और पूछा था कि किसी और के साथ अगर भीड़ जाती है, गाड़ियों का काफिला जाता है, तो आप उसे जन समर्थन कह देते हैं, आंदोलन कह देते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ भीड़ आ रही है, काफिला आ रहा है, तो आप उसे बाहुबली का नाम क्यों दे देते हैं। इस दौरान और अन्य सवालों पर भी अतीक ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। नहीं, मोदी के पक्ष में तो चुनाव नहीं रह गया, ये बातें चली थी 2 महीना पहले, लेकिन ये कि इस वक्त 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया कि यूपी में तो कम से कम ईविल नहीं लग रहा, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है। जो पार्टी जिसका जो वोट है वो वोट ले जाएगी। आपने अभी मंच पर जिक्र किया था कि आपके ऊपर जो केस चलते हैं उसके बारे में सब जिक्र करते हैं, लेकिन उसे खत्म किया जाता है तो उसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं होता है। क्या एक बाहुबली कहलाना चुभता है? नहीं, चुभता तो है ही है, समझेंगे ना आप, और एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, पेपर्स हैं हाई कोर्ट के कि 123 मुकदमे क्वेश्चन कर दिए, तो मैं मुझे ये लगता है क्यों ये नहीं चलाया जाता। भाई सुल्तानपुर हम गए, हमारे पीछे 500-700 गाड़ियाँ चली गई, ये सही है, कोई मतलब टैक्सी नहीं थी, कोई भाड़े की नहीं थी। अभी दूसरे के साथ जाएँ, मोदी जी के साथ जाएँ, तो साफ समर्थक निकल पड़े, मतलब आंदोलन के पीछे आ गया साहब, हुजूम निकल पड़ा, हमारे साथ गए तो वो बोली है। ये जो दोहरी नीति है, इस पे हमको इतराज है कि भाई अगर आप कह रहे हो हमारे पास 100 मुकदमे, तो आप ये भी कहो कि 123 FIR हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, ये क्यों कोई नहीं कहता, तो मानी बात चुभेगा। ये लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें क्यों रहती हैं, चाहे इलाका बदलता रहे? नहीं देखिए, थोड़ा सा नाम आप लोगों की मेहरबानी से चर्चित ज्यादा हो गया है, और जो चर्चित ज्यादा हो जाता है उससे उम्मीदें बन जाती हैं। दूसरी बात यह कि हम लोग बड़ी आसानी से मौजूद रहते हैं लोगों के लिए, कभी हम लोगों ने यह नहीं किया कि चुनाव के टाइम या बाद में कोई फ़र्क रखा हो। और हम आपसे एक बात कहेंगे, आप उस चैनल से, बड़ी कीमती बात है कि राजनीति एक बहुत बड़ा त्याग है, इसमें कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती, कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती, और निजी लाइफ ना रह जाए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हम लोगों की निजी लाइफ नहीं रह जाती, हम लोग हमारा कार्यकर्ता हमारे बेडरूम तक जाता है। तो अब अगर आप उसी तरह से बने रहे तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और ये है कि थोड़ा सा काम कराने में हम लोग मजबूती दिखाते हैं, जो हक है जनता का उसको दिलाने में मजबूती दिखाते हैं, और मजबूती से कहते हैं उसको आप करिए। आपके हिसाब से अगर आपके ऊपर मामले हुए भी हैं जब भी, तो वो लोगों की वजह से, आपका अपना काम निजी काम? देखिए, मुकदमे जिन लोगों पे हुए हैं तो किसी का इतिहास ये है कि साहब उनके भाई के साथ कुछ हुआ था, उनके पिताजी के साथ हुआ था, उनकी जायदाद कहीं चली गई थी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। जो मामले हुए हैं वो ये है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी तगड़ी कबड्डी बोल दिया, और इलाहाबाद में इनको 5-5 दफ़े पछाड़ा, फूलपुर की पार्लियामेंट से चुनाव जीत गए, तो ये चुभता है ना कि भाई ये उनको खलता है, इसलिए मुकदमे लगाए जाते हैं। अपराध थोड़ी कारित हुए जो मुकदमे लगे, वो तो मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी पकड़ के लोगों को बैठा के फजर कराई जाती है, कितने मामले हैं ऐसे। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग अभी थोड़ा नौजवान हो, जोश में हो थोड़ा, अगर आप चाहो तो हम आपको डिटेल देते हैं, अभी तो बना के बड़ा बड़ी अच्छी स्टोरी चलेगी कि साहब इतनी FIR क्या कोशिश हो सकती है देश में या दुनिया में, कहीं इतनी FIR कोशिश हुई है, किसी आदमी भी 180 मुकदमे लगे हैं, ये आप चलाओ, आप दिखाओगे 123 FIR कोशिश कर गई है, फर्जी मुकदमे लगे हैं। हम समझते हैं 1-2 एपिसोड के बाद तो लोग लाइन लगा के देखेंगे, और पूरे यूपी में हमारे चाहने वाले हैं, बॉम्बे में है, मध्य प्रदेश में है, तो चाहने वाले लोग देखेंगे कि हाँ इस आदमी के ऊपर इतने मुकदमे कैसे लगे, क्यों नहीं चलाते आप लोग। हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा उन दस्तावेज।
श्वेता सिंह के साथ इस इंटरव्यू में अतीक अहमद ने खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात की थी और मीडिया को ये भी बताया था कि उसके साथ जितने भी मुकदमे लगाए गए उनमें से बहुत सारे मुकदमे फर्जी साबित हुए और उन्हें कोर्ट ने खत्म कर दिया। लेकिन आज अतीक अहमद जेल में बंद है, उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। योगी सरकार आने के बाद कई और मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसे में अब अतीक अहमद का भविष्य क्या होगा, या आने वाला वक्त तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे मामलों में खुलेआम अतीक का नाम सामने आने के बाद भी आज तक इतने सालों में अतीक अहमद को कोई सज़ा नहीं हो पाई है। वो जेल में पहले भी मौज काट रहा था, वो आज भी जेल में मौज काट रहा है। सिर्फ खबरों के जरिए पता चल रहा है कि अतीक जेल में बैठकर क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन कब तक मिला देंगे इसका इंतजार भी यूपी की जनता कर रही है। स्पेशल डेस्क एंड भारत मीडिया।